हेलो गाइस, तो ये हैं ब्यूटीफुल से इम्पेशंस के फ्लावर्स प्लांट्स और बहुत सारे प्लांट्स इस बार ग्रो किए हैं। मतलब कि वैसे मैं मैच्योर प्लांट कोई नहीं लेके आई थी, सारे के सारे सैपलिंग्स ही थे। तो देख रहे हैं कैसे हैंग कर रहे हैं, ये पूरा पॉट कवर कर लिया इन्होंने। 6 इंचज़ पॉट में है और बहुत ही गजब की इसकी ग्रोथ हुई है। ये भी देखिए इधर कितना प्यारा लग रहा है। इसमें अभी कलियाँ बन रही हैं, इसमें भी 2 कलर हो गए अलग अलग, पिंक और ऑरेंज। मुझे था सेम ही करूँगी, ये वाइट है और शाइन है इनके फ्लावर्स में ना, एक हल्की हल्की सी शाइन। कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और अब हम इसकी लगाएंगे कटिंग्स, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। ये देखिए तो इसमें ना सीड पॉड्स बन रहे हैं, सीड्स बन जाएंगे नहीं तो। तब हम कटिंग कर लें तो कटिंग करके दूसरे पॉट्स में भी लगा दें इसको, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। और देखिए काफ़ी शाइन है, मैं एक फूल तोड़ के दिखाऊंगी आपको पास में से। ये देखिए ऐसे कॉपर की तरह चमक रहे हैं, वाइट सारे फूलों में, चाहे वो वाइट है चाहे पिंक है, सभी में ऐसी शाइन है। ये देखिए ये फूल के ऊपर ये छोटा सा है ना, ये सारे इसके बीज होते हैं। तो हमने बीज बनने नहीं देने, अभी तो पूरी सर्दी है जी, अभी तो दिसंबर का मिड आया है, तो अभी तो हमने पूरी भर भर के फ्लावरिंग लेनी है। फ्लावर वैसे प्लांट वैसे ये परमानेंट ही है, लेकिन सर्दियों में इसकी ज़्यादा मोस्टली फ्लावरिंग होती है इसमें। ये भी इम्पेशंस ही है, ये भी इम्पेशंस ही है। इसमें दूसरी तरह के फ्लावर्स का मतलब कि सेम ही स्ट्रक्चर सा होता है, और एक चीज़ और टेल्स ही होती है पीछे ना, सारे बाल्सम में इम्पेशंस में। देखिए सभी में तकरीबन ना पीछे एक टेल सी लगी होती है। तो चलो जी इनकी कटिंग्स लगा लेते हैं और फिर वीडियो आपके साथ एक और शेयर करेंगे पूरे इसकी केयर के बारे में।